सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। होकर बेदार बेसहारों का सहारा बन, डूबने वाले की खातिर तू किनारा बन। जमाने की हो जाए जिससे रोशन रहे, तू फसल का ऐसा चमकता सितारा बन। तू फलक का ऐसा चमकता सितारा बन। दिल की हर आरजू हर किसी की पूरी हो, ना रहे कोई उदास ना कोई खुशी अधूरी हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। आज का पंचांग 27 फरवरी 2022 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि। सुबह 8:12 तक रहेगी, इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 8:48 तक रहेगी, इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:58 से 6:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर दोपहर 2:22 तक रहेगी, मकर राशि पर संचार करेगी, पराश सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 27 फरवरी 2022 दिन रविवार, इस समय आपके जीवन में अजीब सी घटनाएं हो रही है। जिससे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती है। विशेषता विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे, साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरे के लिए घर और कार्य स्तर पर करना है। भाग्य से अधिक अपने कर्म पर विश्वास रखें, कर्म करने से भाग्य स्वतः ही आपके पक्ष में कार्य करना शुरू करेगा। किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और ध्यान बनाए रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में होगी। वरिष्ठ लोगों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई बातों पर अधिक सोच विचार करने की वजह से नकारात्मक बातें सामने आने लगेगी, लेकिन इन बातों को बदलना आपके लिए आसान होगा। लोगों की टिप्पणियों पर सोच विचार करें, लेकिन उनकी बातों को सत्य मानते हुए नकारात्मकता ना बढ़ाएं। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को टारगेट को पूरा करने के लिए योग्य लोगों का साथ और मार्ग मिलने लगेगा। पार्टनर को देखने का नजरिया बदलता हुआ नजर आएगा। सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। सावधानियां, विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने के कारण उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। माता पिता का दायित्व है कि कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें, अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी ध्यान अवश्य दें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे, प्रेम संबंधों में अहम की वजह से कुछ अलगाव आ सकता है। आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं, आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता के चलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए। घुड़सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नजारों का आनंद लेना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आप अपने सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे और कार्य क्षेत्र में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन व्यापार के मामलों में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करें। धोखाधड़ी की संभावना है, यदि संभव हो तो अपने व्यापारिक सौदे को दूसरे दिन पर टालें और अपने सहयोगियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें। व्यवसाय में आपके उचित योगदान और मेहनत से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। स्टाफ और कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा।
मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें, कोई अटकी हुई पेमेंट आज वापस मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। पेट से संबंधित कुछ समस्या परेशान कर सकती है। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दे तो यह समझ ले कि आलसी हो, और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज का उपाय, आज अब सूर्य देव को जल से अधर्य दे, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।